अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग जमजम। आज आपके लिए सिंपल सी एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आज हम बना रहे हैं, आज मूड नहीं था कि आज हम कुछ खाना बनाएं, कुछ हांडी बनाएं, कोई सालन बनाएं, वही सालन रोटी या चावल। तो आज बच्चों की फरमाइश और हस्बैंड की फरमाइश पे आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। सीजन भी है, थोड़ी सर्दी भी है और खाने का बहुत मज़ा आएगा। साथ हम बनाएंगे पुदीने की चटनी और साथ ही हम बना रहे हैं आलू के पराठे। चलिए व्यूअर्स, अब जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए कि आपको इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि हम रेसिपी जल्दी से स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आपको चाहिए आलू, बॉयल आलू, उबले हुए आलू। मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, ठीक है, और मैंने इनको उबाल लिया है, 15 मिनट उबाला है और बहुत अच्छी तरह से ये नरम हो चुके हैं और मैंने इनका छिलका उतार दिया है। उबले हुए आलू आपने ले लिए हैं और छिलका उतार के ये रख लिए हैं। उसके बाद आपने जो हम इन्हें मैश करेंगे और मैश करके इसमें क्या क्या डालेंगे, आपके पास प्याज है, ठीक है, एक कटी हुई, एक बारीक चॉप की हुई प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज। उसके बाद आपके पास सब्ज़ प्याज है, सब्ज़ प्याज भी आपके 2 से 3 अदद सब्ज़ प्याज हैं जो भी बारीक चॉप की हुई है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप की हुई। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, वो भी आपने बहुत ही बारीक काटनी है। उसके बाद है आपके पास थोड़ा सा पुदीना, पुदीने के पत्ते, और उसके बाद है आपके पास सब्ज़ धनिया, वो भी आपने बहुत थोड़ा सा लेना है, ठीक है। इसको भी आप काट लें, बहुत बारीक काट लें, और काटने के बाद धोकर अच्छी तरह खुश कर लें, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब ये सारा मटेरियल बन जाएगा तो इसकी फिलिंग के लिए हमें पराठा बनाने के लिए आटा चाहिए, गूंदा हुआ आटा, ठीक है। थोड़ा आटे को आपने ज़्यादा पतला नहीं गूंदना, सख्त आटा गूंदना है। इसकी जो डो बनानी है आपने सख्त बनानी है। और इसको फ्राई करने के लिए, पराठों को फ्राई करने के लिए मुझे ऑयल चाहिए। और अब आप इसकी स्पाइसेस नोट कर लीजिए, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। चलें व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, अब सबसे पहले हम आलू लेते हैं और बड़ा सा बाउल ले लें और एक एक आलू को अच्छी तरह से मैश करते जाइए। आप 1 by 1 एक एक आलू को, सब आलूओं को इकट्ठा मैश नहीं करना आपने, इसी तरह से तमाम आलूओं को फोक की मदद से मैश कर लीजिए। जी व्यूअर्स, मैंने तमाम के तमाम आलू लेके 1 by 1 लिए हैं और उनको मैश कर दिया है बहुत अच्छे से, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये मैश हो चुके हैं। जी व्यूअर्स, मैंने आलू आपको जैसे दिखाया सारे के सारे मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये प्याज, जो मैंने बारीक, एक प्याज बारीक जो चॉप करके मैंने रखी हुई थी। जी, आपने प्याज डाल दी है। उसके बाद अब मेरे पास है हरी प्याज, जो मैंने आपको बताई थी, ये भी बारीक बारीक चॉप की हुई हरी प्याज डाल दें हम। 2 से 3 प्याज हैं ये। इसके बाद 2 हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काटी हुई थी वो भी डाल दीजिए। मेरे पास है सब्ज धनिया, ठीक है, ये भी बारीक बारीक काटा हुआ, और थोड़ा सा पुदीना, बिल्कुल कुछ पत्ते। सब चीजें आप डाल दीजिए और इसके बाद साथ ही आप जो जितने स्पाइसेस थे और इनकी क्वांटिटी क्या क्या है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगा। अब इस मटेरियल को, सारा जितना भी मटेरियल है, इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से, जैसे हम आटा अच्छी तरह गूंथते हैं और उसको मिक्स करते हैं, उसी तरह से आपका ये मटेरियल अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके जो आलू का मटेरियल, आलू का जो आपने मटेरियल मैश किया है वो अलग हो, जितने मसाला जो हमने डाले हैं वो अलग हो, इस तरह आपको रोटी का बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है। जी व्यूअर्स, मेरा मटेरियल जो मैंने फिलिंग करनी है पराठों के अंदर,
आलू का मटेरियल सारा का सारा तैयार हो चुका है, अब हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। जी नाजरीन, ये देखिए मैंने पेड़े बना लिए हैं। पेड़ों का साइज आपने बहुत छोटा रखना है, बिल्कुल छोटा साइज रखना है। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा मैंने मिनी सा पेड़ा बनाया है, ठीक है। और पेड़े मैंने एक साथ ही बनाए हैं और आपने भी एक साथ ही बनाने हैं। और पेड़ों को थोड़ा स्टे भी देना है, 5 मिनट का स्टे देना है, ठीक है। जितना स्टे होता है उतनी देर में मैं चटनी बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने पुदीना और धनिया स्टोर करके रखा, इसको भी महफूज करने का तरीका देख लीजिए। ये एक पेपर है मैंने ऊपर रखा हुआ है, दरमियान में ये मैंने पार्टीशन दी हुई है, ठीक है। और ये मैंने धनिया रखा हुआ है, ये मैंने दो आप सिंपल कोई भी कागज घर में ले लें, ठीक है, दो कागज ले लें और उनके ऊपर बिल्कुल इसकी जितनी भी नमी होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको मैंने 2 दिन पहले काटा है और आप ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है, जैसे मैंने इसे आज काटा होता है। और इसको मैंने स्टोर करके रख लिया। अगर आप इस तरह रखेंगे तो आपका 10 दिन आपका धनिया खराब नहीं होगा बिल्कुल भी, और ये महफूज करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद आप दूसरी तरफ ये देखिए, दूसरी तरफ मैंने कागज में खोलती हूँ तो इसमें मैंने पुदीना स्टोर किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कितना फ्रेश है, ताज़ा है, ठीक है। अगर आप इस तरह चीज़ों को कागज़ के अंदर महफूज कर देते हैं तो इंशाल्लाह आपका बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। चलें स्टार्ट करते हैं चटनी बनाना। सबसे पहले कुंडी ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए, ये मैं बिल्कुल थोड़ी सी बना रही हूँ। पुदीना, एक आप सब्ज़ मिर्च डाल दें, एक सब्ज़ मिर्च, क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़रा थोड़ी है चटनी की, इस वजह से, ठीक है। अब इसमें आप सूरख मिर्च डाल दीजिए 1/2 चम्मच, इसके बराबर ही 1/2 चम्मच ही आपका नमक डलेगा, थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दें। बस अब इसे आप कूट लें, सब चीजों को। एक जो है इसमें मैं लहसुन का भी ऐड कर रही हूँ, इसमें अनारदाना भी ऐड करते होते हैं चटनी में, लेकिन एक्चुअली आज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आपके पास हो तो आप इसमें साथ अनारदाना भी जरूर शामिल कर लें। अब इसे भी कूट लेते हैं। चलें शुरू करते हैं। ये मैंने एक पेड़ा उठाया है, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको इस तरह बेलते जाएं। अपनी ये हथेली, जो हथेली है इसकी वजह से, इससे ना आप इसको दबाते जाएं, ठीक है। इसको थोड़ा खुशका लगाइए और बेलिए। ये मैंने तैयार करके रखी हुई है, इस तरह मैंने बेल के रख दिए। आप इस तरह इसको, छोटे छोटे पेड़े हैं इनको इस तरह से बेल कर रख दीजिए। अब ये मटेरियल लेके मैंने सारा इसमें फिल कर देना है। एक जैसा सब हर तरफ पे आपका एक जैसा मटेरियल हो, कहीं पे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अब दूसरा पीस जो हमने बेल के रखा हुआ था इसके ऊपर डाल दीजिए, इसको कवर कर दीजिए, साइडें दबा दें ताकि साइडों से मटेरियल बाहर ना आ जाए। हल्का हल्का दबाइए इस पे जरा हाथ, जब आपने मटेरियल डाल देना तो आपने हाथों को हल्का रखना है, थोड़ा सा खुशका डाल लें नीचे। बिल्कुल हल्के हाथ रखिए रोटी, वरना आपके सख्त हाथ रखेंगे या सख्त बेलेंगे तो रोटी टूट जाएगी। ये मैं तवे पे डाल रही हूँ, तवा मैंने गरम पहले से ही रख दिया था, तवा गरम होने के लिए ये रोटी मैंने ऊपर डाल दी है। चलिए अब मैंने इसकी एक साइड पलटी है इसको, अब आप ऑयल लें, आराम से ऑयल डालिए इसमें, स्प्रिंकल करके डालिए, एक जगह पे नहीं डालना।
साथ ही साथ व्यूअर्स जब तक रोटी बन रही है हम ये चटनी बना लेते हैं। थोड़ी सी मैंने योगर्ट ली है, ठीक है, और जो चटनी मैंने बनाई हुई थी ये देखें आपके सामने अभी बनाई है, ये इस पर हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से लेकर। ये चटनी हमारी तैयार है जी व्यूअर्स। तो हमारे पराठे, आलू के पराठे तैयार हैं, ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू दे रहे हैं। इंशाल्लाह आप ये ट्राई कीजिए, बहुत आपको मज़ा आएगा, पसंद आएंगे। साथ ही देखें पुदीने की चटनी और अचार का कॉम्बिनेशन है जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है इसका। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।